तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की ही बड़ी खबर आपको फटाफट से बताते हैं। आतंकी हाफिज सईद यासीन मलिक पर आरोप तय हो और ये बातें कही गई है एनआईए कोर्ट की तरफ से। यूएपीए के तहत आरोप तय करने की बात कही गई है और एनआईए कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश भी दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी संगठन के सरगना के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी हाफिज सईद यासीन मलिक पर आरोप तय हो, ये एनआईए कोर्ट की तरफ से कहा गया है, आदेश दे दिए गए हैं। और आपको बता दें कि यूएपीए के तहत आरोप तय करने की बातें कही गई हैं। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको जानकारी देने की इस वक्त की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि शिकंजा कसा जा रहा है आतंकी संगठनों के सरगना के खिलाफ और आदेश भी दिया गया है एनआईए कोर्ट की तरफ से। वो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आतंकी हाफिज सईद हो, सैयद सलाउद्दीन हो, यासीन मलिक हो, उन पर आरोप तय हो, ये बात एनआईए कोर्ट की तरफ से कही गई है, आदेश भी दे दिए गए हैं और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब यूएपीए के तहत आरोप तय करने की बात कही गई है। सैयद तजमुल इस वक्त सीनियर साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। तजमुल बहुत बहुत शुक्रिया पांच के पंच में अपना समय देने के लिए। तजमुल, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि एनआईए कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश दे दिए गए हैं, नाम बड़े हैं, आतंकी हाफिज सईद यासीन मलिक, सैयद सलाउद्दीन, यूएपीए के तहत आरोप तय करने की बातें कही गई है, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा। हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शायद इस्तेकाम और सियासी रसाकसी जो है वो अभी तक रुकी नहीं, लेकिन इसी बीच में एनआईए ने जिस वक्त जम्मू कश्मीर में अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज की, उसमें शब्बीर अहमद शाह, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सरपरस्त मसरत आलम भट्ट, मौजूदा जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन, इसके अलावा हाफिज मोहम्मद सईद, जिन्हें लश्कर तोयबा के बानी कहा जाता है, सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन के बानी, और इसके अलावा मोहम्मद यासिन मलिक, जेकेएलएफ के चेयरमैन, बेटा कराटे जो जेकेएलएफ आर के साथ थे, और इसके अलावा पीर सैफुल्ला, बशीर अब्दार और पीर सैफुल्ला का नाम भी है, और इसके अलावा इंजीनियर रशीद, और चूंकि लॉ मेकर रहे, दो लगातार इंतखाबात में लंगेट से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत गए। उनके खिलाफ आरोप ये है कि वो और जहूर अहमद शाह और जहूर भट्टाली, मारूफ बिजनेसमैन, उन्हें मुल्क मुखालिफ नफरतें फैलाने के इल्जाम है, आर्मी को या सिक्योरिटी फोर्सेज को डिमोरलाइज करना और उनके खिलाफ जहर इफ्शाई का इस्तेमाल करना है। पहले आपको याद होगा कि एनआईए टेरर फंडिंग मामलात में मिलिटेंसी के आड़ में बहुत सारे इल्जाम हैं, बहुत सारे लीडरान हैं जिन पर आरोप लगे हैं। अभी एलिगेशन ये कोर्ट में प्रूव करने होंगे। उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग को प्रमोट करने और आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी एबीएचसी और पाकिस्तान के मरासिम को नजदीक लाना है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को जो इफेक्टेड लोड है उनके साथ साथ में चलना है। ये आरोप बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा आरोप ये है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त में इज्तिमा, एहतजाज और इन एहतजाजों में मुल्क मुखालिफ नफरतें फैलाना है, ये सारी चीजें जो है इन तमाम अफराद पर इस वक्त आयद कर दी गई है। अब इंडियन पैनल कोड के तहत, यूपा के तहत जो इन अपराध पे जो मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदार भी हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें अब ये देखना होगा कि इंडिविजुअली क्या शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासिन मलिक और इसके अलावा मसरत आलम भट्ट, पीर सैफुल्ला, इंजीनियर रशीद, जहूर अहमद भट्टाली, बेटा कराटे समेत जो बाकी अपराध हैं उन्हें अपने ऑब्जेक्शन या अपने दिफा में बात करने का मौका मिल सकता है या नहीं, क्योंकि एनआईए कोर्ट ने हिदायत जारी किए कि इनके खिलाफ जो अभी तक हमने देखे, एक तो हो गया लीडरशिप को या किसी भी फर्द को आप जेल में डालते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, आपने रिमांड हासिल करनी है पुलिस के बाद, रिमांड हासिल करने के बाद आप उन्हें कोर्ट में लेते हैं, बाद में जो जजमेंट आ जाती है उसमें आप इन्हें सेंट्रल जेल या मुख्तलिफ जेलों में भेजते हैं, लेकिन केस मरता नहीं है, केस वही का वही है, जो एलिगेशन होता है वो केस में तब्दील होता है, केस बनने के बाद जो वकील सफाई होगा और वकील दिफा होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर जो होगा वो आपस में बहस करेंगे। अब ये बहस में यूपा लगने तक क्या इन लीडरान की रिहाई के इम्कान फिलहाल हर्ष मेरे पास 0% नजर आते हैं, और कभी इम्कान था कि शायद साबिक लॉ मेकर इंजीनियर रशीद को शायद रिहा किया जा सकता, उनकी फैमिली ने भी प्रोटेस्ट किया था श्रीनगर आकर के, उन्हें बड़े मुश्किलात भरे माहौल में इस वक्त शब रोज गुजारने पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल रात भरी कोई खबर नहीं है, क्योंकि इंजीनियर रशीद के खिलाफ
जो अलग योपा का एलिगेशन लगा हुआ है एनआईए कोर्ट की तरफ से, उसमें आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिमोरलाइज करना और मुल्क के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जज्बात उभरना, इंस्टिगेट करना, लोगों को उकसाना, यानी इस तरह के इल्जाम से भरे इन तमाम अफराद की जो चार्जशीट है वो एनआईए ने अब दाखिल कर दी है। ठीक है तजम्मुल, लेकिन एक सवाल और आपसे ले रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब एनआईए का शिकंजा बड़ी तेजी से कसने लगा है, क्योंकि बीच में हम देख रहे थे कैसी स्थितियां हो रही थी और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि टेरर फंडिंग मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती थी, लेकिन अब यूएपीओ के तहत जो बातें कही गई हैं और आप कह रहे हैं कि कोई भी उम्मीद नहीं है आगे आने वाले समय में रिहाई की, तो अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कैसी है और इस वक्त और शिकंजा एनआईए की तरफ से कसा जा रहा है, और ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि नाम यासीन मलिक तक का सामने आ रहा है। देखिए, जिस लीडरशिप की या जिस कयादत की या जिस इंफरादी शख्स की आप बात करते हैं, चाहे वो किसी भी बड़ी तंजीम का सरपरस्त हो, किसी भी शख्स का वास्ता किसी भी तरीके से जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात के साथ हो, ये सारे जेलों में है सिवाय मोहम्मद सलाउद्दीन और उसके बाद हाफिज मोहम्मद से, जो कि वो सरहद के उस तरफ है और उसमें भी पाकिस्तान का डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ किस तरह से किन तलखियों में है गुजर रहे हैं और किस तरीके से उनके समन करने के हवाले से भी पाकिस्तान को बड़ी कोशिश की भारत की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। हालांकि टेरर फंडिंग मामला और कई एक मामला में हाफिज मोहम्मद सईद को भी कई बार उन्होंने नजरबंद भी रखा, जो बैनुल अक्वामी सतह पे काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया था। फिर उसके बाद जो बाकी लीडरशिप है जिसमें यासीन मलिक है, मसरत आलम भट्ट है और बाकी लीडर है, वो तो बदस्तूर जेलों में नजरबंद है, बल्कि गिरफ्तार है और उन्हें काफी टाइम हुआ कि आप घर आने, या उन्हें मुझे याद है कि अय्याज अकबर साहब हैं जो कि हुर्रियत काफ के तर्जुमान हुआ करते थे और उसके अलावा राजा महराज कलवाल हुआ करता था और इसके अलावा और भी लीडर थे जिनके घर में नजदीकी रिश्तेदारों की अहलियान की बात हुई, वालिदा की बात हुई, उसके बाद पैरोल पर उन्हें कुछ घंटों के लिए घर जाने दिया गया, वापसी हुई, लेकिन उनका नाम इस फहरिस्त में नहीं है। ये सरगनों का जो नाम तंजीमों के हेड है, अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि जिस वक्त आप चार्जशीट करेंगे पेश, उसके बाद कोर्ट में क्या उनको अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, जो इल्जाम इस वक्त इंस्टिगेट करना, हालात को उकसाना, आर्मी को डिमोरलाइज करना, सिक्योरिटी फोर्स को मुल्क मुखालिफ मुजाहरे करना, इसके लिए बड़ा होमवर्क होगा आपके पास के सबूत क्या है आपके पास के किस तरह और किस वक्त में आपका वीडियो एविडेंस है क्या है। ये सारा मामला जो है मुझे लगता है कि अप्रैल के वस्त में ये सारी कहानी साफ हो जाएगी और उसके बाद क्या कुछ इकदाम उठाए जाते हैं इन लीडरशिप के खिलाफ, इन इंफरादी लीडरों के खिलाफ किस तरह की इकदाम उठी, ये बड़ी दिलचस्प खबर होगी। चलिए ठीक है तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखेगा, आपसे जानकारी हम समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे सीनियर साथी बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस खबर से अपडेट जुड़ी हुई क्या है।